तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप उत्तराखंड आना चाहते हैं तो आपको ई पास कैसे अप्लाई करना है। बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल स्टेप है भाई। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। केदारनाथ बद्रीनाथ अगर आप जा रहे हैं, खासकर केदारनाथ, तो वहाँ पे अब ई पास ज़रूर चेक हो रहा है, तो भाई अपने साथ ही ई पास ज़रूर लेके जाएं। देखिए ई पास का जो लिंक है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है कमिंग टू उत्तराखंड। हाँ जी, उत्तराखंड आने के लिए आप किस व्हीकल से आ रहे हो, टू व्हीलर है, टैक्सी है, या आपकी अपनी कार है, बाई ट्रेन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, जो भी व्हीकल आप लेके आ रहे हैं, मैं जैसे इस पर टू व्हीलर सेलेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद देखिए ये ऑप्शन बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना पड़ता है, आप इसमें जो है भाई थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करिए, फैमिली एंड पर्सनल रीज़न, ठीक है। बाकी अगर आप टूरिस्ट कर देंगे तो वहाँ पे आपको होटल्स वगैरह की डिटेल सारी फिल करनी पड़ेंगी, जिससे वो प्रोसेस लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आप यहाँ पे सबसे ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए, फैमिली एंड रिलेटिव मीट, ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन हम सेलेक्ट करने के बाद जर्नी डेट, आप किस तारीख को जर्नी यात्रा जो है आप स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए हम मान लीजिए कल जा रहे हैं तो कल कर देते हैं। क्या आपने RT-PCR रिपोर्ट करा रखी है, तो इसे नो कर दीजिए। क्या आपको दोनों फुली वैक्सीन, मतलब आपको दोनों वैक्सीनेशन हो चुकी है, तो यस कर दीजिए। सेकेंड डोज कब लगी थी, जिस भी डेट को आपको सेकेंड डोज लगी थी उस डेट को भाई बस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। आर यू कमिंग फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, तो यहाँ हमें नो कर देना है। स्टेट, आप किस स्टेट से आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए बिहार, चंडीगढ़, भाई मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, तो ये देखिए दिल्ली सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या लगता है, नॉर्थ, ईस्ट, सेंट्रल, शाहदरा, जो भी है तो नॉर्थ कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें ये देखिए यहाँ पे कर देना है आपका प्रेजेंट सिटी। प्रेजेंट सिटी में भाई आपको दिल्ली ही डालना है, और नीचे आपको अपना पूरा एड्रेस फिल कर देना है जहाँ भी आप रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे देखिए नीचे ट्रैवलिंग, आपको कहाँ जाना है। देखिए अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं तो आपको इसमें रुद्रप्रयाग सेलेक्ट करना पड़ेगा। रुद्रप्रयाग जब आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद अर्बन कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तब आपको केदारनाथ मिलेगा। पर मैं वैसे बद्रीनाथ जा रहा हूँ, तो बद्रीनाथ जो पड़ता है वो पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो बद्रीनाथ जाने के लिए चमोली करना है, उसके बाद हमें अर्बन या रूरल, तो अर्बन में सेलेक्ट करेंगे तो देखिए बद्रीनाथपुरी, यहाँ पर एड्रेस में भी आपको लिख देना है सिर्फ बद्रीनाथपुरी। अब आ जाते हैं ट्रैवलर्स की डिटेल्स के बारे में, नेम ऑफ ट्रैवलर, ठीक है। जो आपके सब मतलब जो मेन पर्सन है उनका नाम, फादर नेम, आयु, और मेल है या फीमेल है, और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और उसके बाद आपका गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, जो भी आधार कार्ड वगैरह है वो आधार कार्ड का नंबर, ठीक है। और व्हीकल कौन सा है, व्हीकल नंबर डाल दीजिए, कितने बंदे उस व्हीकल में बैठ सकते हैं, जैसे बाइक है तो एक ही बैठ सकता है। अब उस एक बंदे के यहाँ पे डिटेल डालनी है, उसका नेम, फादर नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, और अब हमें खाली यहाँ पे अपना आधार कार्ड जो है अपलोड कर देना, सब पे टिक लगा देना, आरोग्य सेतु है, यस करने के बाद हमें इस फॉर्म को सबमिट कर देना। सबमिट करते ही 2 मिनट बाद जो है अपना उत्तराखंड का ई पास डाउनलोड कर लेंगे। बताता हूँ अभी डाउनलोड करने का तरीका भी। देखिए जैसे मैं बता रहा था, अगर आप यहाँ पे टूरिस्ट सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो टूरिस्ट सेलेक्ट करने के बाद देखिए क्या होगा, आपको नीचे जो फॉर्म है वहाँ पे आपको सारी होटल्स वगैरह की भी जो डिटेल्स है वो देखिए यहाँ पे फिल करने का ऑप्शन आ जाता है, जिससे कि ये फॉर्म बहुत बड़ा हो जाता है। ये देखिए होटल एंड धर्मशाला गुरुद्वारा, कहाँ पर आप स्टे कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आपको रुकना है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी पड़ेंगी। रूम नंबर क्या है आपका, इसलिए जो मैंने तरीका बताया उसी तरीके से आप ई पास को अप्लाई करिए, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ना आपको अगर कोई पूछता भी है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केदारनाथ के लिए आपको जो डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग सेलेक्ट करना है, और बद्रीनाथ के लिए चमोली, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे मैं फैमिली एंड पर्सनल मीट दोबारा कर देता हूँ, अब इससे क्या होगा, मुझे धर्मशाला या होटल्स की डिटेल नहीं डालनी पड़ेगी। तो बहुत ही सिंपल था स्टेप है। चलिए अब इसे डाउनलोड कैसे करना है, दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अप्लाई करने का भी, डाउनलोड करने का भी। देखिए यहाँ पे लिखा रहा है डाउनलोड रजिस्ट्रेशन, अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा उसको यहाँ पे एंटर करके अपना मोबाइल नंबर डालना है, और सिंपली अपना ई पास डाउनलोड कर लेना। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।